कॉमर्स एक्सिस इग्नू। आज हमारी इग्नू MCO 4 की सेकंड क्लास है। जैसे कि हम लोग अपने पूरी पूरी क्लासेस में आप लोगों को बता रहे हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं। तो आप लोग को क्या करना है ना कि ज़्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं है कि बुक उठाओ, 10 ईयर खोलो, ये खोलो, यही वाले जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यही बस करते जाओ और आप लोग मतलब 100% अच्छे नंबर स्कोर करोगे। कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इन्वायरमेंट है और ये सेकंड क्लास है। अगर आप मतलब इसी वाली क्लास पे पहली बार आए हो तो पहले वाली क्लासेस देखिए, तभी आप लोगों को क्या, नहीं तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब तो पढ़ो यार, अब तो पढ़ लो। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे ना तो फेल हो जाओगे, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया और 4 दिन बाद ही पेपर है। तो सबसे पहले MCO 3 कम्प्लीट कर लो और मैं उसके बाद में आपके लिए सारे के सारे कर ही जा रहा हूँ। तो आप लोग मतलब कोई टेंशन, बिना टेंशन फ्री होकर पढ़ो कि हाँ कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। और मतलब ये कभी नहीं सोचना कि हाँ भैया कि मैं फेल हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अपना। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है ये आता है डिफाइन द रोल्स ऑफ सेबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का या फिर 10 नंबर का आपका शॉर्ट नोट्स में आने की इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपका किस में आ गया, 10 नंबर के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आता ही आता है, किस में, शॉर्ट नोट्स में। तो ये मैं आपको 20 नंबर का तो बताऊंगा भी नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप 20 नंबर का पढ़ के जाओ, इसका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आएगा मतलब 10 नंबर का। फिर क्या आता है, डिफाइन द इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इन सब के आने की चांसेस मतलब उतनी है जितनी कि मानसून में अगर आप बिना छाता के बाहर गए और फिर बिना भीगे घर में वापस आ जाओ, मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़, ठीक है। फिर आता है कि हमारा डिफाइन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एंड 1991। तो मैं आप लोग को क्या करूँगा कि ये पढ़ाऊँगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक की वीडियोस में डाल चुका हूँ और मैंने आपको बोला भी है कि यार टॉपिक आप लोग उस वाली वीडियो से क्या करो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाऊँ तो फिर ठीक है, तो उसमें मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग क्या करो, उन वाली वीडियोज़ को जाके देख लो, तो आप लोग को भी इसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो लगभग। तो लेकिन आपको ना एक एक टॉपिक मतलब इस सारे टॉपिक से फिर भले कुछ भी आ जाए आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, आप लोग की बात समझ में। फिर हमारा क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या तो इसका 20 नंबर का क्वेश्चन, देखो मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि इसका 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की आप डेफिनेशन लिखो, चलो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या लिख सकते हो। वरना आगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा, जितनी कि आप लोगों के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं, इस वाले सब्जेक्ट के नहीं, ये आपके कोई भी सब्जेक्ट मतलब कि जैसे अभी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, आगने वाले जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये क्या होगी, काम आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो ये भी आप लोग उस सारे वीडियो में जाके देख सकते हो कि इंडिया की LPG पॉलिसी क्या रही थी और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड की गई थी और क्या क्या चीज़ें बाहर निकाल दी गई थी। फिर आता है वाई एग्जिम बैंक इन इंडिया इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो इसका आपको 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलो आगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो मैं आपको बुक भी बताते ही, जब तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, गुनाह ही कर रहे हो। तो डिफाइन द रोल्स ऑफ SEBI जब हमारा आया, तो SEBI के रोल्स को डिफाइन करने के लिए 20 या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है जैसे आपका, ठीक है। तो आप लोग बुक नंबर 3 का पेज नंबर 47 खोल लो जल्दी से। देखो पेज नंबर 47 में आप लोग का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि भैया कि इंडिया के कैपिटल मार्केट को डिफाइन करो, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो डिफाइन द इंडियाज कैपिटल मार्केट एंड डिफाइन द SEBI'स रोल इन कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, हमारा कैपिटल मार्केट में हमारे दो होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो कि मैंने कल आपको बताया था। तो आज फिर से बताने की मतलब कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा क्लास फिर लंबी खींचती है। तो आप लोग को क्या ये पता है कि कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। 8+12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैपिटल मार्केट आपका 8 नंबर का आएगा और SEBI आपका 12 नंबर का आएगा। तो देखो कैपिटल मार्केट में आप लोग 8 नंबर में मतलब लगभग 2 पेज भर के आना और फिर उसके बाद में आप लोग SEBI पे आना। SEBI पे आप लोग कितने लगभग 3 से 4 पेज भरना, तो 3 पेज अगर आप भरोगे तो सफिशियंट है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो आपको SEBI पता होना चाहिए कि SEBI है क्या। तो SEBI हमारी 1992 में आई थी इंडिया में। इससे पहले हमारा क्या चलता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती थी, किस एक्ट के नाम से, उसका नाम था कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। ये चीज़ आपको सुनना है। तो SEBI क्या करती है, SEBI का काम है अपने आप को कैपिटल मार्केट को क्या करना, कंट्रोल करना,
हाँ, जैसे हमारा आरबीआई क्या करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो हमारी सेबी होती है वो कैपिटल मार्केट को वो करती है, उसको कंट्रोल करती है। कैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर आप लोग किसी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप लोगों को कई बार सेबी के क्या आता है उसमें मेल आता है कि आप लोग अपने उससे सावधान रहें, ये करें वो करें इस तरीके से। जैसे आपको आरबीआई के कई बार हमको मैसेज वगैरह आते हैं कि आप लोग अपने मनी को सुरक्षित रखें, बैंक कभी भी आपसे आपको ओटीपी नहीं पूछता, तो इस तरीके से हमारे कैपिटल मार्केट के लिए सेबी हमको क्या करता है, रेगुलेट करता है। और आपको यही लिख के आना है कि सेबी रेगुलेट्स क्या, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, द फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी के फंक्शंस हमारे क्या हैं, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि स्टॉक मार्केट को देखता है, उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, फिर हमको क्या देखना है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, कोई भी जैसे कंपनी में क्या होता है कि अगर आप कोई भी घोटाला कर रहा है पर्सन, या फिर इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है आपका, या फिर कुछ ऐसे काम कर रहा है जो मतलब मार्केट में नहीं होना चाहिए, जैसे हर्षद मेहता ने किया था, तो हर्षद मेहता वाले केस में क्या सेबी ने उसके ऊपर पूरा रेगुलेशंस लगाया, एंड देन उसके बाद में उनके ऊपर जो भी कुछ केसेस वगैरह हुए तो वो चले। अभी आप लोग देखोगे कि रिसेंटली में इंडिया में कुछ लोगों को सेबी ने क्या किया है, अपने उससे बाहर निकाल दिया है, किससे, ट्रेडिंग करने से, मतलब उनके ऊपर रोक लगा दी है। तो आप लोग अगर उनके नाम वगैरह लिखे होगे तो आप लोगों को क्या, एग्जामिनर को पता रहेगा कि आप लोग क्या करते हो, मतलब करंट अफेयर से भी लगभग वाकिफ रहते हो, तो आप लोग और मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, इलीगल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, जो मैंने आपको बताया कि अगर इलीगल ट्रेडिंग कभी होती है सिक्योरिटीज़ में तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, हमारी सेबी करेगी। फिर क्या आता है हमारा, रजिस्ट्रेशन करना, और हमारे जितने भी मतलब ट्रेडर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, या फिर हमारे जो ब्रोकरेजेस होते हैं उनको क्या करना, उनको गवर्न करना, तो ये सबको हम किसको, तो हमारा सेबी का होता है, सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन, ये भी हमारा सेबी ही करता है। देखो ये मैं आपको शॉर्ट में बताया है, बुक में तो बहुत कुछ है, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही कम है सेबी के बारे में। तो देखो इश्यू ऑफ शेयर्स जो भी कुछ होता है हमारा, तो वो भी हमारा कौन करवाता है, सेबी करवाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे उसमें ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप लिख के आओगे तो आप लोगों को इसमें अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ जरूर लिख के आनी कि सेबी हमारी 1992 में आई थी, उससे पहले हमारा कौन सा, कैपिटल गवर्नेंस एक्ट 1947 इंडिया में चलता था, और वो किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग क्या करती थी, शेयर मार्केट को हमारे कंट्रोल करती थी। ठीक है, अगर येलो पॉइंट लिख के आओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया बच्चा पढ़ के आया है, बहुत अच्छे से पढ़ के आया है, और इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा तो कोई है ही नहीं, और अगर आप हमारे वाली क्लासेस देखे जा रहे हो तो भैया आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है रियलिटी में। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ किस किस से मतलब आपको नंबर उठाने को मिलते हैं। तो आप देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं इसके, आपको इसके 10 नंबर का क्वेश्चन एक मिलने के चांसेस 100% हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के जाना। बाकी अगर चाहो तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि अगर मतलब समझ में नहीं आता ज़्यादा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भैया टॉपिक थोड़ा बड़ा है सर, हो नहीं पाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, इसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, आप लोग मतलब कोई दूसरा लोग क्वेश्चन जो आएगा ना उसको करना। बाकी मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है, इसको आपको इसको अचीव करना है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को करके जाना ही जाना है। चलो आगे चले अपने, तो देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा कौन सा, पेज नंबर बुक नंबर 3 का पेज नंबर 73 खोलो, और इसके अंदर हम कुछ ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, जैसे आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टिक कर लो यहाँ पे इंडेक्स में, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लो, और स्टेप्स टेकन फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़ जाना, 10 नंबर में इतना सफिशियंट है, आप लोग इसमें 2 ही पेज भर के आने, ज़्यादा लिखना नहीं। बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है कि मतलब आप लोग अपने कंपनी को जो है उसको एथिक्स से चलाइए, उसको अच्छे अच्छे लोगों द्वारा चलाइए, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं कंपनी में, खासकर अगर हम एजुकेशन वाले सेक्टर की कंपनी से देखें तो उसमें चलती हैं, उसमें कुछ नाम भी उठ के आते हैं, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आप लोग क्या करोगे इसमें कि उन सब चीज़ों वो सब चीज़ें उसमें क्या करके आओगे, मेंशन करके आओगे। चलो आगे वाला टॉपिक पे चले अपने, डिफाइन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके लिए बुक नंबर 4 का पेज नंबर 8 खोलो जल्दी से। तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है हमारा, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं यार, जैसे देखो इसमें अगर आप देखोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर इंडियन हो गया, ठीक है, इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट हो गया, फिर आप लोग इसमें क्या लिखा होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको लिख के आनी है। फिर उसके बाद में ये भी लिख के आना है किस तरीके से इंडिया आज़ाद हुआ था, तो कितना गरीब था, और धीरे धीरे 1956 की पॉलिसी सबसे पहले आई। देखो मैं आपको वाली क्लासेस देखने के लिए भाई क्यों बोल रहा हूँ,
अब आपको हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं मिलती जा रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें 1956 की पॉलिसी को डिफाइन करना है कि हमारी 1956 की पॉलिसी क्या थी, और फिर उसके बाद में क्या आता है कि हमारी 1956 से पॉलिसी से हम लोग आगे चलते गए फिर हम लोग किस में, हमारी 1991 की पॉलिसी में आए, जो कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मतलब गेम चेंजर साबित हुई। फिर उसके अंदर अभी जो इंडिया ने एक 2011 वाले 2020 में भी अपनी क्या किया, एक पॉलिसी लेके आई, कौन सी, जिसको हमने कहीं ना कहीं नाम दिया क्या, जो भी हमारी निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की थी, ठीक है, 20 लाख करोड़ का पैकेज था, जो इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक का इकोनॉमिक पैकेज भी लगभग रहा है। आपको ये सब चीज़ें उसमें लिख के आनी है, ठीक है, और इसको हाईलाइट करना है, लिख के ही नहीं आना, से हाईलाइट करना है ताकि आपके इन्विजिलेटर जो हमारे टेस्ट जो चेकर जो हो उसको पता लगे कि भाई बच्चा तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सब कुछ पढ़ के आया है, और मतलब बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं आया कि कुछ भी आके लिख दूंगा, पेपर के हिसाब से पढ़ के आया और सब कुछ उसमें क्या है लिख दिया है इसने, बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस आपको इसमें से फिर 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। 20 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 20 नंबर आप इसमें ऐसे स्कोर कर सकते हो बड़े आराम से। चलो आगे चले अपने, आप लोग ये सब चीज़ समझ आई ना। फिर क्या आता है हमारा डिफाइंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड 1981। देखो सर ने तो भैया डाला ही नहीं इसमें कुछ भी है, तो सर आपने गलती से ब्लैंक छोड़ दिया। अरे यार ब्लैंक नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए, क्या किया है बता रहा हूँ अभी भी। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों ने वीडियो में क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उन 3 वीडियोस को देखो और आपको 100% उसको मतलब हेल्प मिलेगी, कहाँ पे, जब आप एग्जाम में लिखोगे बैठ के। देखो 3 क्वेश्चन तो मैंने अभी इसी में से बता दिया आपको, साथ में से कि आपको किस किस क्वेश्चन है उनके बारे में लिख के आना है, ठीक है। तो आप लोग उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, उन वाली वीडियोज़ के नोट्स बनाओ अच्छे से, 1.5 घंटा लगेगा यार, 1.5 घंटे में मतलब अगर आपको मान लो कि 40 नंबर मिल जाते हैं तो उसमें क्या घाटा क्या आप लोगों का, है ना। चलो आगे चले, आगे वाला क्वेश्चन हमारा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आएगा, और मैं चाहता भी हूँ कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग को आना ही चाहिए कि इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा। तो आप लोग इसके लिए पेज नंबर बुक नंबर 4 का पेज नंबर 102 खोल लो, नहीं 102 नहीं सॉरी पेज नंबर 80 खोलो, हाँ पेज नंबर 80 खोलो, जो कि हमारा क्या है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड व्हाट रोल इट प्लेस, या फिर ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या किया है, ठीक है। तो जब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिलेंगी, यार इतनी चीज़ें लिखने को मिलेंगी जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। अब देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 1956 में इंडिया ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए थे, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये वाली वीडियो से मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको किस में और मिलेगा कि जब 1981 की जब पॉलिसी आई तो उसमें क्या हुआ, फिर अभी जब हमारा आत्मनिर्भर भारत आया तो उसमें क्या हुआ, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट को क्या करती है, बचाती है और सबसे ठीक है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रोविजंस बनाती है, उनके लिए 100% FDI का बिल्कुल भी उसमें क्या करती है, मतलब कि आप अगर देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचाने की कोशिश करती आई है जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से। क्यों, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती है ना, रूरल लेवल पे जाके कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को कितने लगभग इसमें कितने 6 पेज लिखने हैं, ठीक है। और 6 पेज में हमारे क्या होंगे, सबसे पहले हमारा क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आपको एक डेफिनेशन लिखनी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है, ठीक है। आप लोग इसमें माइक्रो मुद्रा और वाले जो है ना हमारे, ठीक है, वो सब लिखोगे, मुद्रा लोन इसमें लिख पढ़ के जाना है आप लोगों को, और इसमें क्या लिख के जाना है वो चीज़ होती है ना अपनी कौन सी, शिशु तरुण, और जिसमें हमारे मीडियम लेवल की होती है शिशु तरुण और एक किशोर होती है, ठीक है, ये तीनों आपको लिख के आनी है इसमें। तो ये आपका एक पेज इसमें ऐसे भरेगा, फिर हमको जब सेकंड वाले पेज पे जाना है तो सेकंड वाला पेज हमारा क्या कहता है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़रूरी क्यों है इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कितना लगभग 1.5 पेज भरा जाएगा, तो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का 1.5 पेज हो गया। फिर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो इसका लगभग 1.5 पेज, तो आपके कितने पेज हो गए, 1, 2, 3, 4 पेज हो गए, ठीक है। फिर उसके अंदर आप लोग 2 पेज पे क्या लिखोगे, द पॉलिसीज इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तरीके से हमारा पूरा 6 पेज में क्या हुआ, कवर हो जाएगा, और आप लोगों को नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे अगर आप ये पॉइंट्स लिख के आते हो और इस तरीके से लिख के आते हो तो। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़रूरी क्यों है,
मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें स्मॉल सबसे पहले लो कैपिटल लगती है, ठीक है, और ये विलेज लेवल पे काम करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो होते हैं हमारे इंडिया के, जो मतलब असली जो पहचान है उसको बाहर निकाल के आता है, ठीक है, और फिर ये कहीं ना कहीं हमारे क्या करता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करता है, तो इससे भी हमारी क्या होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो ये हमारे किस में रूरल लाइफ को बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जैसे जनरेट करता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है हमारी, इसके बेनिफिट्स होते हैं। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलपीजी पॉलिसी? तो एलपीजी पॉलिसी देखो आपके अभी से नहीं, हमेशा स्कूल लेवल में जब आप थे तब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको मतलब कभी आपने स्किप नहीं कर सकते, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एलपीजी पॉलिसी भी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एलपीजी पॉलिसी हमारी कब आई थी, 1991 में आई थी, इसमें भी मैंने आपको विस्तृत सब कुछ डाला है, सो दैट कि आप लोग क्या कर दो, मतलब आप लोग के इस बारे में सब कुछ पता हो कि हमारी एलपीजी होती क्या है एक्चुअली में। तो देखो सबसे पहले हमारा होता है लिबरलाइजेशन, फिर आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन, और एक होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी, एल से होता है हमारा लिबरलाइजेशन, पी से होता है हमारा प्राइवेटाइजेशन, और जी से क्या होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या बोलता है, लिबरलाइजेशन ने बोला कि भैया आप लाइसेंस परमिट राज को, इसको आपको एग्जाम में लिख के आना है, और किस में करना है, ब्रैकेट में करना है, लाइसेंस परमिट राज को कहीं ना कहीं इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। 1956 की जो पॉलिसीज हमारी आई थी उनके साथ में हमारे इंडिया में बहुत बुरी तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी का आ जाना, और ब्यूरोक्रेसी पूरी चीज़ को तबाह करने लग जाती है, इसलिए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज नहीं आई, और पहले इंडिया से कहाँ पे चली गई, चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा था उस चीज़ से। तो 1991 की जो पॉलिसी है इसने लाइसेंस राज को कहीं ना कहीं ख़त्म किया, और ब्यूरोक्रेसी को क्या किया, ख़त्म किया। फिर उसके बाद में क्या था हमारा प्राइवेटाइजेशन है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, तो आपको देखो प्राइवेटाइजेशन में ये तीन चीज़ें लिख के आनी है, सबसे पहले ओनरशिप मेजर्स है, फिर ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स है, और फिर है ऑपरेशन मेजर्स, तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ। ओनरशिप का क्या मतलब होता है, ओनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे कंपनीज अपनी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको क्या कर दे, खत्म कर दे, मतलब अपने शेयर्स को बेच दे किसको, प्राइवेट हाथों में। ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में वो क्या करे, प्राइवेट लोगों को भर्ती कर ले, सरकारी लोगों को निकाल के, और फिर उसका अपना होता है क्या हमारा ऑपरेशन मेजर, ऑपरेशन मेजर मतलब होता है क्या कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं कंपनी में, मतलब लोगों को आप प्राइवेट पे भर्ती करो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके आओ, जो आज कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये किस में आता है, हमारे ऑपरेशनल मेजर्स में आता है। ये चीज़ आपको समझ में आई, अब किस में आता है हम लोग ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी समझ है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को क्या करना, दूसरी कंट्रीज के साथ में जोड़ देना, और ग्लोब के साथ में क्या करना, ग्लोब को एक मार्केट बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग, मतलब जैसे हमारा पूरा एक ग्लोब है और इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो सिर्फ हम एक हट के नहीं चलेंगे, हम पूरे मार्केट में ओपन होके चलेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, फिर आता है हमारा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हमारा एफडीआई होता है वो, फिर क्या आता है हमारा फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग नेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो, और फ्री फ्लो ऑफ लेबर जो कि हमारी इंडिया कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीप और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं, लेबर कहीं ना कहीं मिलते हैं। फिर क्या आता है हमारा क्वेश्चन आता है, वाई एग्जिम बैंक इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इसके, नहीं तो ये 20 नंबर में भी आ सकता है। क्या पूछेगा आपसे, डिफाइन द रोल ऑफ एग्जिम बैंक इन इंडिया, तो आपको इसमें क्या करनी है, इंपॉर्टेंस रखनी है। तो सबसे पहले तो कुछ, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, इसमें 5 नंबर का लिख के आना है, 6 नंबर की लिखने वाली चीज़ है नहीं इसमें, तो आपको सबसे पहले एक पेज पे लगभग एग्जिम बैंक के बारे में लिख देना कि एग्जिम बैंक कब स्टार्ट हुआ था, 1982 में, इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और उसके एक ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। फिर देखो बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट हम लोग क्या इसके मेजर फंक्शन देखेंगे, तो मेजर फंक्शन क्या है इसके, फाइनेंस प्रोवाइड करवाना किसको, कोई भी अगर ऐसा बिजनेस है इंडिया में जो क्या करता है लगभग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, अपनी सर्विसेज देना, इनकी सर्विसेज क्या होती हैं हमारी, कि जैसे हमको उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, और फिर उन लोगों को क्या करना कि इंश्योरेंस देना, जैसे कि, और अगर जो हमारा एलओसी लेटर होता है वो प्रोवाइड करवाना, जो हमने IBO 4 में पढ़ा था अपना, ठीक है। फिर हमारे रिसर्च करना, एनालाइज करना कि किस कंट्री में इंडिया की उसकी हमारी एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट की चांसेस बनती हैं, तो हम लोग उसको क्या करें, उस कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ावा दें, और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ को ढूंढना, सो दैट क्या हो कि
कि हम लोग अपने उनके साथ में इम्पोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे चाइना के साथ में अगर विवाद चलता है तो हम लोग क्या करें कि चाइना को किस तरीके से रिप्लेस कर सकें, और हमारे कौन से ऐसे कंट्रीज और हैं जिन पे हम डिपेंड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, और हमारे क्या क्या गुड्स हैं जो चाइना से आते हैं। इन सब चीज़ों पर क्या करना, रिसर्च करना और इनके कहीं ना कहीं एक एनालाइज करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना किसको, गवर्नमेंट को और हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको, सो दैट कि ये लोग बिजनेस में सक्सीड कर सके और हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हम लोग उनके साथ में अच्छा खासा बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो समझ में आया आपको? पूरे 7 क्वेश्चंस आपने नोट डाउन कर लिए, और इन्हीं मतलब क्वेश्चंस में से आएगा, और बाहर में से कुछ नहीं आएगा यार, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है इग्नू का बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप मानो कि आप पहले से आप सोच सकते हो कि पेपर क्या क्या आ सकता है। बाकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि 10 ईयर खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इसी से पढ़ो और आप लोग एग्जाम में मतलब 100% अच्छे नंबर लेके आओ। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं इसी वीडियो के साथ में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे वाली वीडियोस को जाके देखिए। ये तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है जो हम लोग कंप्लीट अपना करवा रहे हैं, बाकी हम लोग 2 सब्जेक्ट्स अपने पूरे करवा चुके हैं। और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों तक, अपने ग्रुप तक शेयर कीजिए, बताइए उनको कि कॉमर्स एक्सेस आप लोग को किस तरीके से एक पूरा का पूरा अच्छा खासा, मतलब आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, बाकी मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।